मेरे आपके और माशरे के डले हुए किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ महताब और आप देख रहे हैं मैं हूँ कौन। कुछ दिनों पहले कुछ ताजिर हजरात हमारे ऑफिस तशरीफ लाए और उन्होंने मुझसे कंप्लेन की कि तिब्बत सेंटर और प्लाजा मार्केट के नीचे उनकी शॉप्स हैं, उसके बाहर जो लोग काम करते हैं, गाड़ियाँ पकड़ते हैं, पट्टियाँ लगाते हैं, शो के काम करते हैं, तो बाकायदा वो एक माफिया है जो काम कर रही है और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। पूरी गाड़ी के बिल जो बना देते हैं वो कभी 80,000 रुपये बना देते हैं, 1.5 लाख रुपये, यहाँ तक सुनने में आया। और यहाँ तक उन्होंने बताया कि एक गाड़ी को था उनको, उन्होंने बिल 1,80,000 रुपये का बना दिया था, जबकि उस गाड़ी की मालियत 1.5 लाख रुपये थी, तो वो 30,000 रुपये वो गाड़ी भी छोड़ गया और 30,000 रुपये भी देके गया। तो इन तमाम बातों में कितनी हकीकत है और इस माफिया को किसकी पुष्पनाई हासिल है, इन तमाम हकायक को जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। कराची की मशहूर व मारूफ तिब्बत सेंटर और प्लाजा मार्केट किसी तारुफ की मोहताज नहीं। अगर आपके पास गाड़ी है तो यकीनन आपने इन दोनों मार्केटों से अपनी गाड़ी के स्पेयर पार्ट जरूर खरीदे होंगे, क्योंकि शेरशाह मार्केट के बाद ये दोनों मार्केटें स्पेयर पार्ट्स की खरीदो फरोख के हवाले से बहुत मशहूर हैं। और अगर आप गाड़ियों के मैकेनिक हैं तो भी आपका वास्ता इन मार्केटों से जरूर पड़ता होगा। हमारे ऑफिस में तिब्बत सेंटर और प्लाजा मार्केट के कुछ ताजिर तशरीफ लाए। कुछ अरसे कबल हमें कुछ ईमेल भी मौसूल हुई थी कि तिब्बत सेंटर और प्लाजा मार्केट में एक माफिया का राज है और वो 30 से 35 अफराद पर मुश्तमिल एक खतरनाक गिरोह है जो वहाँ आकर काम कराने वालों को बेवकूफ़ बनाकर 100 रुपए की चीज 1,000 रुपए और 1,000 रुपए की चीज 10,000 रुपए तक फरोख करता है। ये बात हमारे लिए कुछ अजीब थी कि ये किस तरह मुमकिन है कि आप 100 रुपए की चीज के 1,000 रुपए दे दो। हमने इस बात की सच्चाई जानने के लिए तिब्बत सेंटर और प्लाजा मार्केट जाने का फैसला किया और वहाँ पर मौजूद पहले से मैकेनिकों, रबड़ लगाने वालों और दीगर अशिया लगाने वालों से बात की। ये मेरा सीट बैठा हुआ है, इसके अंदर सही है, इस पे टिंट ग्लास करने पूरे ब्लैक करने। हाँ, ये जो पट्टियाँ लगी हुई है ना, अच्छा, ये उतरवानी है सारी, साफ भी करवानी, साफ भी करवानी है पूरी गाड़ी में, पेपर भी लगाना, गाड़ी में पेपर सफाई भी करवा दूँ और पूरी गाड़ी में पेपर भी लगवा दूँ। 700 रुपये मुझे क्या बचेगा, 1,000 रुपये बोल दूँ उसको, हैं 1,000 रुपये पागल हो गया, दुबई वाला सेट है, खींचना है इससे पैसे, इधर आया। हम हुक्मरानों को रोते हैं और दूसरे लोगों को रोते हैं, यहाँ हर बंदा जो है ना वो शॉर्टकट की तलाश में, किसी तरह अमीर हो जाऊँ मैं, बस लॉटरी निकलवाए मेरी। गाड़ी लगती है, 8-10 लोग जो आके उस गाड़ी में पल पड़ते हैं, सिर्फ पैकिंग लगाने के यहाँ 65,000 रुपये, 80,000 रुपये क्लिप लगाने के, ये बहुत शिकायात है यहाँ पे दुकानदारों ने, हमें यहाँ पे ईमेल्स की थी, फोन कॉल्स की, बहुत सारे लोगों ने बुलाया था लेकिन वो उनके बारे में पूछ रहा हूँ तो वो ईमेल्स तो रियल थी लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कोई बंदा दिखा भी नहीं ना मिला। और ये जो घूम रहे हैं लोग, ये बात नहीं कर रहे मुझसे, दुकानों से बात करने की कोशिश कर। हमारे ऑफिस में जो ताजर हजरात तशरीफ लाए थे, मैंने इनका नाम लेकर पूरे तिब्बत सेंटर और प्लाजा मार्केट में तलाश शुरू की, लेकिन अफसोस की बात कि उन नामों से मुझे कोई ना मिला। जो बातें वो मुझे बताकर गए थे वो तो मुझे मालूम करनी थी, उनकी सच्चाई जाननी थी, इसलिए एक दुकानदार से कुछ सामान की खरीदारी के एवज बात शुरू की। हम इस ताजिर की शक्ल तो आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि ये माफिया हमारे इस प्रोग्राम के नशर होने के बाद इस ताजिर का जीना मुश्किल कर देगी। क्लास चाहिए, एक पेचकस दे दो और पैकिंग दे दो। पैकिंग का रोल निकालो, लास्ट निकाल के दो, कितने का, 100 रुपये का, क्लिप भी निकलवा दो। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ तुम्हारी दुकान के बाहर खड़े होकर काम करूँ तो तुम्हें एतराज तो नहीं है? क्यों, हमारे कस्टमर रुकेंगे यार। किस वजह से बाहर काम करोगे तो हमारे कस्टमर नहीं रुकेंगे, सारा काम तुम बाहर कर लोगे हैं तो मैं पकड़ के दूंगा ना मैं। नहीं तो यहाँ पे काम जो करते हैं सारा चोर बाजारी का काम है, तुम लोग काम करोगे 100 रुपए के रोल के, तुम जो है यहाँ पे 50,000 60,000 रुपए लोगे। 60,000 रुपए? हाँ हैं, यहाँ बनते हैं 1,00,000 रुपए। आपने यहाँ पे भाई ऐसा ऐसा भी सीन हुआ है कि एक आदमी शरारत लेकर आया, काम कराया, 1.5 लाख रुपए का बिल बना दिया। हाँ, उसके बाद पैसे नहीं, गरीब का बच्चा, उसको यहाँ पे हार्ट अटैक हो गया, 25,000 रुपये भी देके गया, गाड़ी भी देके गया। भाई गाड़ी भी रख लो, भाई मैं गरीब आदमी हूँ, 20,000 रुपये मेरी तनख्वाह, मैं कहाँ से 1,00,000 रुपये का बिल दूंगा तुम्हारे, 1.5 लाख रुपये का बिल बनाया।
पुलिस नहीं करती, पुलिस खुद भी नहीं है, पुलिस पैसा लेती है फ्री गाड़ी के हिसाब से, वो पैसे लेती है। कितने पैसे लेती है पुलिस वाला? यहाँ पे फिक्स हुआ हुआ है 500 रुपए एक गाड़ी का। एक गाड़ी का दिन में जितनी गाड़ियाँ लगेंगी एक गाड़ी के 500 रुपए। तो गिनती कौन करेगा? पुलिस वाले राउंड होते हैं यहाँ पे, पुलिस वाले राउंड होते हैं। देखा गाड़ी की रबड़ खुली, हमने दूर से हॉर्न बजा दिया, हॉर्न बज गया, उसके 500 रुपए पक्के हो गए। अच्छा, 500 रुपए उसके पक्के हो गए। अब वो अगर गाड़ी वाला कस्टमर जो है अगर खराब भी होता है, ज्यादा शोर करता, भाई मैं पैसे नहीं दूंगा, पुलिस को बुलाओ, बोलते पुलिस को बुला लो, पुलिस आती है, पाँच रुपये बोलती है भाई कितने का बिल है? 60,000 का। अच्छा आप करो भाई 40,000 रुपये दे दो। गाड़ी वाले भी बोलते हैं, पुलिस वाला गाड़ी वाला भी बोलता है यार चलो पुलिस वाला आ गया, 20,000 रुपये कम करा दिए, दे दो 40,000 रुपये दे के चला जाता है। उसमें 5-10,000 रुपये पुलिस वाले साइड पे जाके उनसे ले लेता है। इस दुकानदार ने जो इनके शफात किए थे वो चौंका देने वाले थे कि इस जगह जो माफिया काम करती है उसको पुलिस की सरपरस्ती हासिल है और पुलिस फी गाड़ी 500 रुपए तक वसूल करती है। ये बात कुछ सच और कुछ झूठ लग रही थी, इसलिए इस दुकानदार से सामान लिया और आगे की जानिब चल दिया ताकि मजीद मालूमात हासिल कर सकूं। हमने अपनी गाड़ी दुकान के बिल्कुल सामने खड़ी की और दुकानदार से बात शुरू की। हमने इससे कहा कि हम इस गाड़ी में रबड़े लगवाना चाहते हैं, क्या तिब्बत सेंटर और प्लाजा मार्केट से काम करवाया जाए या नहीं? इस ताजिर का जवाब जरा गौर से सुने। ये खड़ी गाड़ी सामने ना मेरी, हाँ हाँ, ये ब्लैक कलर की वाली, हाँ, ये असल में लगता है मोल्डिंग वगैरह पे। हाँ। ये लोग लगाते हैं दरवाजे भी चैनल के ऊपर, मगर वो किसी काम की नहीं है, बेकार है। कहाँ से काम कराऊँ ये इसके गाड़ी का? आप करते हैं काम? नहीं, आप असल में ये बाहर वालों से काम कराओगे तो आप रहोगे परेशान हो जाओ, क्योंकि ये लूटते हैं। किस तरह? एक चीज, ये रोल जो है ना, ये 150 रुपए का रोल है, ये डबल फिट, डबल साइड, और उसको जो है ना ये बना देते हैं कि जी ये 65 रुपए फिट है, और 65 रुपए फिट फिट, और ये 1 रुपए फिट पड़ता है। काफी कस्टमर खराब होते हैं यहाँ पे दुकान पे, कस्टमर ऐसे खराब हो रहे हैं कि दुकान पे आने का नाम दुकान पे लेते ही नहीं है बेचारे। बाहर आते हैं, बाहर आते ही जो है ना वो बेचारा आता है कोई यहाँ पर एक पॉलिश लेने के लिए या परफ्यूम लेने के लिए, उसकी चारों जबरदस्ती बदमाशी से रबड़े निकाल देते हैं, निकाल देते हैं खुद ही, ये निकल रही है वो निकल रही है, जबरदस्ती गाड़ी वाला भी मुझे भी रोका था बीच में भी, जबरदस्ती लगाते हैं, और जब ग्राहक बोलता है नहीं लगाना है तो जबरदस्ती लगा देते हैं, उसके बाद जो है ये बदमाशी शुरू कर देते हैं, फिर ग्राहक को बोलते हैं लाओ छीनी हथौड़ी दो, निकालने के लिए ग्राहक डर जाता है मेरा जीरो, छीनी हथौड़ी से कैसे निकलेगी, तो हाथ से निकल जाएगी, आपको डराने के लिए ग्राहक बेचारा डर जाता है, बदमाशी करते हैं, सामान वामान भी होता है, दुकानदार परेशान है। बनाते किस तरह है? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, पूरा प्लाजा पे जो रोड घूम रहे हैं, ये गैंग गैंग है, गैंग ग्रुप है पूरा, और ग्रुप भी ऐसा है कि उसके ऊपर जो है कोई एक्शन, पुलिस वाले भी कोई एक्शन नहीं लेते, कोई वो पुलिस नहीं आती, आती है पुलिस भी आती है, मगर पुलिस वाले अपना हिसाब किताब लेते हैं चले जाते हैं। किस तरह? बस वो जिस गाड़ी में उन्होंने काम किया वो पैसे ले गए, ले गए, हाँ पैसे उनसे बत्ता ले जाते हैं पुलिस वाले, एक और गाड़ी से, फ्री गाड़ी से, कभी कभी तो पुलिस वाले पार्टनरशिप भी करते हैं, पार्टनरशिप भी करते हैं, हाँ कि बिल ज्यादा बनाओ, हाँ बिल ज्यादा बनाओ, हमारा भी आता तुम्हारा भी आता, ये प्लाजा का हाल किया भाई। अब दुकानदार परेशान है, अब ये है कि हम खुद कह रहे हैं कि हम दुकानें बंद करके बाहर रोड पे, सबसे बड़ा बिल कितना बड़ा है यहाँ पर भाई? यहाँ बड़ा बिल जो है किसी ने 1,85,000 का भी बना दिया, 1,60,000 का भी, 1.5 लाख का भी, गाड़ी वो गाड़ी जो है गाड़ी 1,20,000 1,30,000 की गाड़ी है। तो बाकी क्या किया उसने फिर, बाकी किस तरह दिए पैसे? तो गाड़ी 1.5 लाख की है तो 1,80,000 कैसे बिल बन गया उसका? बस वो तो लापरवाही, और ना दो तो नहीं देते हो तो बदमाशी माफिया है यहाँ पर, ये प्लाजा पे जितने भी जो बाहर रोडों पे काम कर रहे हैं माफिया है, आप परेशान हो जाओ। इस दुकानदार ने हमें बताया कि आप यहाँ से रबड़ों का काम बिल्कुल मत करवाना वरना आप लूट जाओगे, क्योंकि यहाँ एक माफिया है जो आपको लूट लेगी और पुलिस वाले उनका ना सिर्फ साथ देंगे बल्कि बाद दफा तो पार्टनरशिप भी कर लेते हैं। 1.5 लाख रुपए की गाड़ी है और 1,80,000 रुपए उसका बिल है, 30,000 रुपए वो बंदा ऊपर से लेके जा रहा है और गाड़ी भी छोड़ के जा रहा है, तो मुझे तो हैरत हो रही है। और पुलिस के लिए बोल रहे हैं कि जी पुलिस जो है बाकायदा यहाँ पर गाड़ी पे 500 रुपए, अगर रबड़ पट्टी लग रही है तो 500 रुपए पर गाड़ी जो है वो ले रही है, तो मुझे तो हैरत हो रही है कि ये रोज़ाना लाखों रुपए छापते होंगे पुलिस वाले, इस पर काम करना है। एक रुपया नहीं दूंगा, एक रुपया जो बोलते हैं देखते हैं, तू भी यही हम भी यही, 4.5 दे दो, 1,500 रुपये होगा, फिर भी 100 कम है। लो जी, अब हमें प्लाजा मार्केट की पूरी कहानी समझ में आ गई थी। हमने फैसला किया क्यों ना ये काम करके देखा जाए और पुलिस और यहाँ पर गाड़ियों पर काम करने वाले लोगों को दिखाया जाए। हमने एक असली मैकेनिक साथ लिया और मैं उसके साथ तिब्बत सेंटर और प्लाजा मार्केट की रोडों पर खड़ा हो गया और अपने शिकार का इंतजार करने लगा। रबड़ लगा देते हैं,
टाइट कर देंगे। और क्या, और कुछ रबड़ के अलावा? भाई रबड़ है ये भी, हिल रहा है देखो। चलो इसको तो बाद में देखेंगे, अभी चार दरवाजे की रबड़ है हाँ, जो खराब हो रही दिख रही होगी तो मैं कट रही है। हाँ ये दरवाजा ना अड़ रहा है। और टंकी और बोनट, टंकी और बोनट सही है। एक छोड़ो, डिग्गी और बोनट सही है, मगर ये भी करा लेते हैं हाथ के आती बाद में। भी कटे हैं सही, कब से भी कटे हैं इसके दरवाजे के हैं। हाँ ये आवाज़ सही हो जाएगी, आवाज़ सही हो जाएगी, ये आवाज़ खराब हो रही है ना, अभी पूरी बंद हो जाएगी। हाँ हाँ देख लो, हाँ हाँ चारों दरवाजे हैं पीछे। बोनट वो खोल लो, डिग्गी भी खोलो, बोनट भी खोलो। ये देखो नहीं कटी हुई ना सारी, सपोर्टिंग रबड़े लगेंगी सारी, ये सारी सपोर्टिंग लगेगी ना इसकी ये साइड। अगर काम ऐसा करना यार, कितना साफ सुथरा ही हो और सस्ते में हो, ज़्यादा कोई महंगा महंगा नहीं हो। 65 रुपये, इससे कोई गुंजाइश नहीं है कहीं पेशी। नहीं नहीं 65 रुपये बहुत है यार गाइस, देख ले यार कुछ होगा, मुनासिब है ना यार। अबे काम भी प्लाजा का रेट यही है। चलो देख लो इसकी, फिर कर दो बाकी कर लेते पैसों का। आओ घूम फिर के आओ, चाय वाय पीनी आपको पी लो। ये बच्चा हमें इनाम के तौर पर मिल गया, इसने खुद से हलाल होना था इसलिए हमसे काम करवाने आ गया। हमने इससे गाड़ी के चार दरवाजे, डिग्गी, बोनट की रबड़ों की बात की। मेरे साथ जो शख्स था वो असली मैकेनिक था, इसलिए मुझे परेशानी नहीं थी, क्योंकि मेरी वजह से अगर कोई काम खराब भी हो जाता तो वो काम तो हमारे मैकेनिक भाई ने करना था। इसलिए मैंने इस गाड़ी की रबड़ें तब्दील करना शुरू कर दी। हमने इस लड़के को 65 रुपये का कहा था, अब ये बेचारा ये समझ रहा था कि शायद एक दरवाजे के 65 रुपये होंगे, इसलिए इसने हमें चारों दरवाजे, डिग्गी, बोनट की भी रबड़े लगवाने का ऑर्डर दिया। ये तो हम अपना काम करने के बाद ही बताएंगे कि हमने इससे कितने पैसे लेने हैं, आप जरा इंतजार कीजिए। क्या करते हो आप? बैंक में जॉब करते हो यार, रबड़े कटती नहीं इतनी जल्दी यार। लोग गाड़ी में चलती रहती है, बार बार दरवाजे बंद होते हैं खुलते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर चलाते हो क्या आप? नहीं चलती तो मतलब ऐसी है, दोस्त यार अक्सर जैसे कभी प्रोग्राम मिल गया था तो जाने का। चल गाड़ी है, गाड़ी का नाम ही चलने का नाम ही गाड़ी है। क्या कर सकते। एक घंटे और शायद 20 मिनट तक इस बच्चे की गाड़ी पर छोटी छोटी रबड़े और दीगर अशिया लगाने के बाद अब बारी थी इससे पैसे लेने की। मैंने अपने पार्टनर से एक बार फिर गाड़ी को मुकम्मल तौर पर चेक करने का कहा, ताकि इस लड़की को भी एतबार हो जाए कि काम अच्छा हुआ है। चेक कर लो रबड़े, चेक कर लो अंदर, ये चार दरवाजे, एक डिग्गी और एक वो एक बोनट, बोनट और एक डिग्गी, ये होगा 4, 5, 6 चीजें। ये मेरे भाई 65 के हिसाब से हुए 400 फिट। हाँ तो क्या इंची टेप से गिन ले यार। तो जायज बताओ ना, जितने दिन जायज थोड़ी वाली बात। 65 रुपये फिट है, 400 फिट लगा, हिसाब लगा ले कितना बना 65 के हिसाब से। 26,000 हैं तो 25 दे दे, कितना बन रहा है यार? नशे में हो क्या? फालतू बात नहीं कर मेरे भाई, फालतू बात नहीं कर, जो काम यही रेट है। किस बात का रेट है, किस कौन सा कोई इतना? हाँ 26,000 रुपये बन रहा है। 26,000 नहीं, 65 रुपये के हिसाब से लगाओ दरवाजे। पहले बताए दरवाजे पहली दफ़ा करवा रहे हो क्या? उतार लेता हूँ मैं वापस। क्यों उतार लेता हूँ भाई, लग गई ना आपको पैसे? नहीं नहीं मैं उतार लेता हूँ ना अपनी चीज, मैंने लगाई है, मैं उतार रहा हूँ, तू पैसे नहीं दे रहा ना। तो मैं जायज पैसे साथ, वो हथौड़ी निकालो, हथौड़ी निकालो, छेनी निकालो। क्या होगा उससे हैं? अपने जबड़े निकालूंगा मैं, चेनी है थोड़ी से। और क्या भाई, क्या हो गया, क्या दिमाग वमाग खराब हो गया, तबीयत ठीक है? निकालो निकालो, रबड़े निकलती है। जायज पैसे बताओ, लो अपना भी टाइम खराब नहीं करो, मेरा भी नहीं करो, ठीक है ना? शाम होने वाली यार, देख चार दरवाजे, एक डिग्गी, एक बोनट, 10,000 रुपये दे दे। बदमाशी है क्या तुम लोग? बैठ जल्दी से वरना मैं बुला रहा हूँ भाई। चाबी आबी क्यों निकाल लो भाई, चाबी का मजाक नहीं करो, बहुत भारी पड़ जाएगा मजाक चाबी का। 2 मिनट में बंद हो जाएगी बेटा, नया आया तू, शाबाश 10,000 रुपये निकाल। आप चाबी दे दो सर, आप 10,000 रुपये निकाल दे, ले ले मुझसे। मेरे हिसाब से जो बनता है आपको दे देता हूँ, उससे ज़्यादा मैं आपको दे नहीं सकता भाई। 4,000 रुपये बनते हैं। 4,000 रुपये किस हिसाब से? 65 रुपये के हिसाब से, चार दरवाजों के एक बोनट एक डिग्गी। 1,000 रुपये इससे ज़्यादा नहीं दे सकता, 5,000 रुपये दे दूँगा।
5000 रुपये दे। चाबी दो ना भाई, मैं भाग थोड़ी रहा हूँ, गाड़ी में रखे, मैं निकाल के दूंगा। ज्यादा दिए ये भी है? अगर बदमाशी दिखानी हो। शाबाश, घर जा बेटा, मैं खड़े हो, घर जा, वो सब पता चल। चल 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 चल, दे दिया सामान ना, निकल। अगर अपनी का आया तो ये भी नहीं देता। अरे बहुत जगह, जैसे बहुत जगह रोज खड़े होते। निकल, निकल। एक दो तीन चार पाँच, 100 रुपए की रबड़, 100 रुपए की रबड़ को मैंने 5000 रुपए में बेचा है इसको, और रबड़ भी वो डबल टेप लगाया फिर मैंने। इस लड़के को 5000 रुपए का टीका लगाने के बाद हमने इस माफिया की जड़ पकड़नी थी, इसलिए हमने अपनी गाड़ी को तिब्बत सेंटर और प्लाजा मार्केट के बिल्कुल बीच की जगह में लगाया। अब हमारे प्रोडक्शन मैनेजर समी भाई गाड़ी के मालिक बने और हम दोनों मैकेनिक, और हमने अपनी ही गाड़ी खोल दी और मुख्तलिफ काम करने वालों को भी बुलाते रहे कि इस गाड़ी का पूरा काम हम दो लोगों ने पकड़ा है। आप बताओ, अगर हम आपसे कुछ काम कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? छोटे छोटे पट्टे लगवा दे, छोटे छोटे पट्टे लगा दो, सब उतार दे, सब उतार दे, सब लगा दे दोबारा। मैं उसको बोलता हूँ खराब हो गया पेपर, मैं उसको बोलता हूँ खराब हो गया पेपर। पेपर क्या लगेगा? कितने का लगेगा? क्या करवा दें खाली, बैग चाहिए तो बैग भी करवा देंगे। ये पंडित डुकरी लगानी है? हाँ, बड़ी करके लगानी। हाँ, ये चौड़ी करके, ये चौड़ी करके यहाँ तक आई, कितनी चौड़ी यहाँ आई, ठीक है ना? ये देखे ना, ये शेड है ना, ये बोल रहा है ज़्यादा हो रहा है काम है, ये बोला शेड यहाँ तक कर दो उसको। अभी अलग से पट्टी लगाएंगे, मुझे बताना भाई। 800 रुपये लगूँगा पूरी गाड़ी पे पेपर लगा दूँगा। 800? मैं क्यों बोलूँ, मैं कितने बोलूँ? 1100 रुपये बोल ले पूरी गाड़ी पे। 8, 9, 10, 11, 300 रुपये। तू कहाँ बैठा हुआ? वहाँ बैठा हुआ। हाँ, मैं आगे लेके आ रहा हूँ, ठीक है? वो है अपनी गाड़ी। 800 रुपये उसको नहीं मिलेंगे, 9, 10, 11, 300 रुपये ही मुझे कमीशन देगा। पुलिस की आशीर्वाद से चलने वाली ये माफिया, यहाँ बंदा अपनी मर्ज़ी से आता है लेकिन जाता है इनकी मर्ज़ी से। 2 रुपये का काम होता है और 2000 रुपये दे के जाता है। ये दिखाना चाह रहे हैं कि पुलिस जो है यहाँ से पर गाड़ी जो है वो डील करती है 500 से लेके, और वो 50-50 तक होता है। तो किस तरह होता है ये दिखाना चाह रहे हैं हम आपको। समा की अपनी गाड़ी है ये, जिसको हम खोल के खड़े हैं। बट ठीक है, ठीक है भाई, शिनाख्ती कार्ड दे दो यार। वो पैसे आप लोगों में से किसी ने नहीं लिए? हमने अपनी ही गाड़ी के शीशे और बम्पर खोल दिए थे और हम ये महसूस कर रहे थे कि हमें काम करता देखकर बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द घूम रहे थे और हमें देख रहे थे, क्योंकि हम तिब्बत सेंटर और प्लाजा मार्केट में बिल्कुल नए थे और हमें आते ही काम मिल गया। जब गाड़ी के शीशे और बम्पर खोल दिए गए तो हमने समी भाई से कहा कि आप गश्त करने वाली मोबाइल के पास जाओ और हम दोनों की शिकायत करो कि हमने आपसे गलत बयानी से काम लिया, काम करने से पहले जो पैसे बोले थे और काम करने के बाद कुछ और पैसे मांग रहे हैं। समी भाई पुलिस की तरफ गए और बात शुरू की। आप भी सुने कि इन वर्दी वाली बादशाहों ने क्या कहा। आप पहले ही बोल दिया था इसको, है? इसको पहले ही बोल दिया था 2000 रुपये पर डरवा देंगे। पहले तो बात हुई भी थी ना, पूछ लो ना। बात ही करने का भाई, दे देते यार जो तीन दरवाजे हो गए तो इसके बाद बोल रहा है। भाई मैं तो एक गाड़ी ऐसे लेके जाऊंगा, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा तेरे को। ऑन नहीं 1 रुपया नहीं दूंगा। तीन दरवाजे फिट कर दिए, चौथे दरवाजे में इसको याद आ रहा है, पहले क्यों नहीं याद आया? 50,000, 40,000, 30,000 जो आ रहा है। अब पहले याद नहीं आ रहा इसको, ये पीछे का डेंट निकाला है पूरा खोल के। तिब्बत सेंटर और प्लाजा मार्केट प्रेडी थाने की हदूद में आते हैं और ये जो हमारी गाड़ी के चक्कर काट रहा है इसका नाम मोहम्मद दित्ता है। जनाब सब इंस्पेक्टर होते हैं और हम जैसे लुटेरों की मदद करते हैं, ये आप भी देखें। बात तो वही है ना यार, अब सब सही हो गया तो ये याद आ रहा है। अब मैंने और समी भाई ने इंस्पेक्टर दित्ता के सामने लड़ना शुरू कर दिया ताकि पुलिस वालों को शक ना हो सके कि हम दोनों एक साथ हैं। क्या बोला था मैंने? कोई भी बात नहीं करी तुमने,
तीन दरवाजे कर लिए जब तुझे याद आ रहा है भाई, आप बता देना मैं तेरे लूंगा यार, जो मुनासिब दे देना भाई, 100-150-200 रुपए का दरवाजा। आप तीन दरवाजे सही करके फिट कर दिए उसके बाद इसको याद आ रहा है? नहीं नहीं कुछ नहीं बोला तुमने, वो जा यार ऐसे कैसे चले जाएगा, क्या दरवाजे? तेरे को पहले नहीं बोला था क्या? अब जब फिट हो गई गाड़ी तेरे को याद आ रहा है 15,000 रुपए? नहीं दूंगा भाई, नहीं गिरेगा। क्या हुआ साहब? पहले जब बात हुई थी फिट हो गए दरवाजे सारे सही हो गए, ऑयलिंग हो गई, जो मसले थे ये चल नहीं रहा था वो नहीं चल रहा था, तीन दरवाजे इसके नहीं चल रहे थे, शीशे ऊपर नीचे नहीं हो रहे थे, जब सही कर दिया, मैकेनिज्म सही कर दिया, सब कुछ सही हो गया, उसके बाद इसको याद आ रहा फिट हो गए सारे, फिट हो गए उसके बाद इसको याद आ रहा है। क्या याद आ गया? इसको पैसे याद आ रहे हैं कि हमने पैसे कितने बोले थे, हमने तो 15 बोले थे इसको। वो कितने दे रहे? दो तीन दिन हुआ कहाँ पे? रोड पे। हाँ रोड पे। तूने अपने शादी कार्ड की कॉपी दी है? कितनी हो? हमें सर किस चीज़ की? दो तस्वीरें सर। तो काम करने में क्या? अच्छा काम करने में क्या? ये जो मुझसे दो शनाख्ती कार्ड और दो तस्वीरें मांग रहा है, इसके लिए ये बात मशहूर है कि ये सब इंस्पेक्टर मोहम्मद दित्ता के मांडवाली किंग हैं, यानी इन लुटेरों के सरबरा के नायब। इनकी ये बात आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जब मैं इनसे थाने में ये सवाल पूछूंगा तो जवाब क्या होगा ये आपको कुछ देर में पता चलेगा। इनसे पूछो क्या क्या दिया हुआ है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी ले लीजिए, कल ले लीजिए। तस्वीरें ले लीजिएगा। और कौन है तेरे साथ? ये रहा भाई, ये इसकी भी ले आना। वो क्या समझा कि ऐसे जो काम कर रही है रोड पे आवारा लोग हैं? नहीं नहीं, मैंने कब बोला साहब? मैंने कब बोला? तूने क्या बोला कि फिर जरूरत क्या पड़ेगी? नहीं मैंने बोला क्या जरूरत, वहाँ पे भी जरूरत नहीं होती थी। वहाँ पर छोड़ो ना, यहाँ की बात करो। यहाँ पता नहीं है ना, मुझे बताया भी नहीं किसी ने, पूछा भी नहीं। वाकई हो सकते हैं, हजारों बात हो सकती है, हो सकती है। कहाँ से तेरे को ढूंढेंगे? जैसे इससे 15,000 की तूने बात की है साहब, तो पहले बता के की है ना। 15,000 में लगा, चार दरवाजे हैं, एक पीछे बम्पर निकाला, सही किया पूरा। नहीं मशीन नहीं लगाई है, दो एक में रिपेयर किए हैं सारे। ये इसको पहले बताया है, झूठ को ही बोला है। बम्पर भी हो, ये भी। और आपकी अपनी गाड़ी है? हाँ। तो आप बात करते हैं इस तरीके से, जा रही इतने पैसे इतने, अभी वो सब कुछ हो चुका है। ये भी सही हो रहा है कि 15 की बात हुई है, अभी हम इसका गलत नहीं दबा सकते ना। ये आप खुद भी थोड़ा सोचो, आपने पहले क्लियर करना था भाई इतने पैसे दूंगा। अब क्या मुनासिब होएगा? क्या मुनासिब करेगा वो? ऐसी कैसे ले जाएगा? एक रुपया नहीं दूंगा, एक रुपया इसको बोलते हैं। देखते हैं, तू भी आई है। पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी मुझे ये बात करनी पड़ रही है कि पुलिस की वर्दी में वो खास बात है जो किसी और में कहा। आप एक बार पहन कर तो देखें, पैसा आपके पास खुद आकर बोलेगा कि जनाब मुझे आपकी जेब में जाना है। ये मांडवाली किंग के नायब यही करवाते थे। अभी इसको आप गरीब को क्या बोल रहे? मैं गाड़ी ऐसे ही ले जाऊंगा। मैं तो इसको बोला ना, आपको तो नहीं बोला ना। हमारा तो वास्ता नहीं है। तो आपको बुला के लेकर आया ना, हमारे सामने तू कह रहा है कि साली डीलिंग करेंगे ना। ये कौन सी बदमाशी है? आपको 15,000 कहां से तुम गाड़ी बुलाई है? आपके क्या नाम है तेरा? मैं अल्ताफ। नालू का नाम देखो, गाड़ी मैं निकल चुकी। तूने पहले इनको क्यों नहीं बताया? साहब पहले बता चुका हूं, बंद कर दूंगा तेरे को भी साथ में, उसको भी। साहब एक चीज बताइए, झूठ बोल रहा है? क्यों बात क्यों करूंगा मैं? लो यहाँ के बदमाश हो। नहीं नहीं साहब, मैंने कोई बोला ही नहीं। कुछ लो जाओ बे, लो जाओ। तुम लोग क्या लेते हो? साहब कुछ बोला ही नहीं मैंने। कितने पैसे हैं तेरे मुनासिब? अब दो चार दरवाजे हैं, एक बम्पर है पीछे का। हाँ अब मुनासिब आप बता दें, मैं क्या बताऊँ। सब इंस्पेक्टर दित्ता साहब को गुस्सा आ गया
और समी भाई को उन्होंने किलो के हिसाब से गालियां दी जो हम नशर नहीं कर सकते और ना ही फुटेज दिखा सकते हैं। उन्होंने 2 मिनट हमें हिसाब किताब के लिए दिए, यानी कितने पैसों में मानोगे और समी भाई को कितने पैसे देने हैं। इसके बाद एटीएम से निकाल के दे दूंगा मैं आपको। तुम लेके भाग गए हमें तो मैं कैसे लेके भाग जाऊंगा, 2 बंदे हो मैं कैसे लेके भाग जाऊंगा भाई। एक दो चेक कर ले यार। मुझे बुलाया आपने, कहा कि मैं गाड़ी मेरे साथ है, ऐसे बात आपको निकाले सब कैसे किया आपने। मैं नहीं बोल रहा जा रहा है ना, तो तू जाना साथ नहीं जा रहा, गाड़ी खड़ी है ना। 15 की बात करके 5 पे आ गया तू। साहब क्या करूँ, ये गाड़ियाँ दे रहा माँ बहन। क्या गाड़ी दे, अभी दे ना। नहीं अब दे ना, खड़ा ना साहब, तू क्यों घबरा रहा है। तू हम तेरे को 10 किल दिलाने वाले, तो तू जबान समझता है इधर की। नहीं समझता है, प्लाजा की इस मांड वाली किंग के नाइब ने मुझे बोला कि तुम बेवकूफ तो नहीं हो, हम तुम्हें 10,000 रुपए दिलवाते, प्लाजा मार्केट की जबान नहीं आती, आधी कील का मतलब है 500 रुपए और पूरी कील का मतलब है 1,000 रुपए। इस वर्दी वाले बादशाह ने मुझे समझाया कि आप इससे 10 किलो का तकाजा करो, यानी 10,000 रुपए, तुमने तो सिर्फ इसको 5 किलो में ही छोड़ दिया, यानी सिर्फ 5,000 रुपए, लगता है नए हो। सही है, तो मेरा शनाख्ती कार्ड रख लो। नहीं 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 भाई नहीं। ये शख्स जो समी भाई से बात कर रहा है, इसका नाम जब्बार है और ये प्रेडी थाने का बीटर है और इन तमाम लुटेरों का सरदार। इस सरदार को प्रेडी पुलिस स्टेशन की भरपूर सरपरस्ती हासिल है और ये वही इंसान है जो पुलिस की पुष्पनाई में काम करता है। अब मेरे मसले का भी हल इसी ने करवाना था। ये काम नहीं करते भाई। भाई साथ भेजो एक बंदे को, मैं दे देता हूँ पैसे। कहाँ जाना? ये करीबी जाना है। कहाँ पे? ये चलो अपने लाइट हाउस पे। साढ़े चार दे देता हूँ, 1,500 रुपए। 1,500 का है, फिर भी 100 कम है यार। में बात हुई थी 100 रुपए हो गए आप। देख भाई 15 में बात हुई थी, 100 रुपए। कितने में बात हुई आप? 15 में बात हुई थी। 15 में बात हुई थी, कम से कम 10 देगा ये। 5 की बात करी है मैंने भी आपसे, क्या बोला? 5,000 पूछा था, यही 5,000 रुपए पूरे कर देता हूँ मैं आपको। 5,000 देता हूँ, 5,000 का हिसाब कर लो बस, सीधा सीधा। नहीं ना, 5 कम हो जाएंगे। आप बता कितना है? कौन सा पर सही? जा यार, जा भाई, जा यार। हाँ साहब, कितने हैं ये? बस ठीक है, ठीक है भाई, शिनाख्ती कार्ड दे दो यार, मैं ले लेता हूँ उससे बाकी वाले मानदा। लेके नहीं भाग रहे, लेके नहीं भाग रहे, अभी आएगा, वहीं आ जाएगा। 5 के 10 दे लूंगा मैं, शिनाख्ती कार्ड रख लिया। कोई मसला नहीं, जो जायज है ना वो तो लेंगे ना यार। इसके बाद मैंने समी भाई का शनाख्ती कार्ड रख लिया और उनको वहाँ से रवाना कर दिया। उसके बाद सब इंस्पेक्टर दित्ता, मनवाली किंग और जब्बार ने मुझसे 1,050 रुपए वसूल किए, यानी 1,000 रुपए गश्त करने वाले मोबाइल का हिस्सा और 50 रुपए लुटेरों के सरदार जनाब मोहतरम जब्बार साहब उर्फ प्रेडी पुलिस स्टेशन के बीटर के हिस्से में। वाह जी, खैर हो हमारी प्रेडी पुलिस। 50 रुपए आप रख लो, मसला नहीं है, 500 करवा दो। खाली तेरी शक्ल देख के मैंने साहब को राजी करा, मैं साहब 1 किल ले लो। तो मैं 1,000 रुपए तुमको तुम 50 रुपए उसको भी दूँ। लाया किधर से? हाँ मैं न्यू करा, वो अपना जमशेद से। इधर कब से काम कर रहा है? 2-3 दिन हुआ मुझे। आपके डीजे का भी काम पे 8 लगा रहा है, बम्पर का भी काम पे 8 लगा रहा है। गाड़ी बनाई है मैकेनिक है बाबा, सब ठोक ठाक देके बराबर कर देता है। ठोक ठाक इधर, ठोक ठाक वाला कहानी नहीं है। इसके बाद मैंने वहाँ से जाने में ही बेहतरी समझी, क्योंकि लुटेरों के सरदार जब्बार और मनवाली किंग बार बार एक ही सवाल कर रहे थे कि तुम कहाँ से आए हो। इसलिए मैं और मेरा पार्टनर वहाँ से आगे की तरफ चल दिए, ताकि समी भाई और आबिद मुगल जो हमारे कैमरामैन प्लस कंटेंट प्रोड्यूसर हैं, उनसे मजीद रहनुमाई ली जा सके। हम थोड़ा सा आगे निकल गए ये लिंक करने के लिए।
आपने देखा कि किस तरह हमने अपनी गाड़ी पे काम किया। हम आपको ये सिर्फ ये दिखाना चाह रहे थे कि ये माफिया पुलिस की सरपरस्ती में काम करती है। 15,000 रुपये हम दोनों लड़ रहे थे कि जी मैंने 15,000 रुपये, इन्होंने बोले थे, मैंने उनको बोले थे कि 15,000 रुपये आपको देने हैं। 4 दरवाजे थे और एक पीछे पीछे का बैक बम्पर। उसके लिए हमने 15,000 रुपये पुलिस के सामने बोले कि 15,000 रुपये में बात डन हुई है। पुलिस ने हमको 2 मिनट दिए कि जाके आप माइंड वाली कर लें। हमने जो सेटलमेंट की वो 5,000 में कर ली। जो सब इंस्पेक्टर थे मोहम्मद दित्ता, एम दित्ता उनका नाम था, उन्होंने मुझसे 1,000 रुपये लिए। 1,000 रुपये उनके लिए लिए, 50 रुपये वो जब्बार साहब ने मुझसे लिए, यानी 1,050 रुपये मैंने अदा किए। तो आप ये देखें कि प्लाजा पे इस तरह रोज़ाना कितने ही लोग जो हैं वो लुटते होंगे। हम पहुंचे लुटेरों के हेड ऑफिस यानी प्रेडी पुलिस स्टेशन। ये वो जगह है जहां मुझे 2 अदद शनाख्ती कार्ड और 2 अदद तस्वीरें जमा करवाने का बोला गया था। हमने भी कमर कस ली थी कि 1,050 रुपए जो हमने लुटेरों के सरदार और मांडवाली किंग और उनके सरबरा सब इंस्पेक्टर दित्ता साहब को दिए हैं वो वापस लेंगे, इनसे मिले। ये है प्रेडी पुलिस स्टेशन की दाई जनाब हेड मॉरर रजाक साहब। मैंने इन मोहतरम साहब से बात शुरू की, आप भी सुने। रजाक साहब यहाँ पे आप कब से? 1 महीने हो गए भाई। 1 महीना? अरे सर बहुत पुराने हैं रजाक साहब। रजाक साहब यहाँ पे 1 महीने पुराने हैं तो मालूमात तो हुई है थोड़ी बहुत। सर मैं आया था अपनी शनाख्ती कार्ड और 2 अदद तस्वीरें लेके जमा करवाने। कहाँ पे? तो यहाँ थाने में। किस लिए? वो मुझे वो थे सब इंस्पेक्टर एम दित्ता साहब, उन्होंने कहा था कि जब तक आप 2 अदद तस्वीरें और शनाख्ती कार्ड की कॉपी जमा नहीं कराएंगे थाने में, जब तक आप सदर की मार्केट में काम नहीं कर सकते। कौन सी सदर की मार्केट? तिब्बत सेंटर। कौन है? मार्केट है ना। दित्ता साहब कौन है? सब इंस्पेक्टर है। कहाँ के? मोबाइल वन के, प्रेडी थाने। अच्छा, फिर? तो मैं जमा करवा सकता हूँ, वहाँ काम कर सकता हूँ खड़ा होकर। किधर? वो तो बाहर काम करते हैं, प्लाजा के बाहर जो मैकेनिक काम करते हैं। हाँ, पैकिंग लगाते हैं, शीशे सही करते हैं, तो क्या उसमें काम कर सकता हूँ? वो दित्ता साहब ही बताएंगे आप। दित्ता साहब मतलब? दित्ता साहब ने बोला है कि थाने में जमा होती है। नहीं नहीं, थाने में तो कोई ऐसी चीज नहीं है भाई, कोई रिकॉर्ड नहीं होता। ना ना, तूने अपने शादी कार्ड की कॉपी दी है? कितनी हो? हमें सर किस चीज़ की? दो तस्वीरें सर। तो काम करने में क्या? अच्छा, काम करने में क्या? तो पुलिस के मैकेनिक नहीं है वो? पुलिस मैकेनिक हेडक्वार्टर में बैठते हैं। तो सर वहाँ पे भी तो बैठ रहे हैं? नहीं नहीं, वहाँ वहाँ नहीं है भाई। अच्छा जी जी। रजाक साहब मसला ये था कि मैं 2 दिन तक वहाँ खड़ा रहा। अच्छा, मैकेनिक बन के। अच्छा, अब मैं आपको पॉइंट क्या बताऊँ ना। सही है। 2 दिन तक मैकेनिक बन के वहाँ खड़ा रहा। अच्छा, तो वहाँ पे जो है वो पर गाड़ी का हिसाब है। अच्छा, और मोबाइल जो है पर गाड़ी के हिसाब से पैसे लेती है। कौन सी मोबाइल? हर मोबाइल। अच्छा हाँ, और जितना साहब को मैंने 1,000 रुपये दिए कल। दित्ता साहब? हाँ, रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं प्रूफ के साथ बात करता हूँ, बगैर प्रूफ के बात नहीं करता। ठीक है ठीक है। गाड़ी का मैंने काम करवाया, ये हमारे समी भाई हैं, हमारे प्रोडक्शन मैनेजर। अच्छा ठीक है। हमने अपनी गाड़ी लगाई, अपनी गाड़ी को खोल दिया। अच्छा, समा डीवी की खड़े हो गए। सही है। और लड़ना शुरू कर दिया हमने। ये गए मोबाइल बुला के लिया है। अच्छा ठीक है ठीक है। मोबाइल बुला के लिया है, मोबाइल वाले से हमने बोला भाई, मैंने बोला भाई 15,000 रुपये का काम है। अच्छा ठीक है। तो उन्होंने बोला भाई सबसे पहले तू ये बता कि तू नहीं उसमें लुबे भिड़वा, मैं आपके क्या कर सकता हूं? सर मैं मेरी कहानी सुन ले, मैं बड़ा नहीं, मैं सुन रहा हूं, दिल 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 पे मेरा बड़ा बोझ है। बोझ हल्का हो जाए, मैं चाहता हूं बोझ हल्का हो जाए, हल्का हो जाएगा। तो सुने थोड़ी सी, गाड़ी हमने खोल दी, तमाम मामलात हो गए, उसको बुला लेता हूँ ना, आमने सामने बात होगी ना यार। तो मेरी मेरी कहानी सुन ले, मेरे दिल पे बोझ है। अच्छा अच्छा, बोझ हल्का करें, हल्का कर रहा हूँ मैं। हल्का। अब वो हुआ ये कि वो 15,000 रुपये पे डील हुई। जी जी। 15,000 रुपये पे ये गए मोबाइल लेके आ गए। जितना साहब उतरे बड़े जोशो खरोश से, उनके साथ जो एक ड्राइवर, 2 कांस्टेबल उतरे। अच्छा। उन्होंने तो पहले मुझे फिर माँ बहन की दी गालियाँ अच्छी खासी। अच्छा। कि भाई तू कहाँ से आया? मैंने उनको बताया, मैंने भाई जमशेद रोड पे काम करता था, यहाँ पे आया हूँ, 1-2 दिन हुए, 2 दिन से खड़ा हो रहा था मैं वहाँ पे। मामला तय हुआ, हमने बोला भाई 15,000 रुपये इनसे लेने। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, 2 मिनट दे रहा हूँ, जाओ बाहर साइड में और अपनी मांडवाली कर लो। अच्छा। मैं आया, मैंने बोला भाई 5,000 रुपये में हम दोनों की डील हुई है। अच्छा। उसने बोला भाई 1,000 रुपये मुझे चाहिए, मेरे पास प्रूफ है, मैंने उनको 1,000 रुपये दिए। सही है। तो मुझे लगा कि वो तमाम मैकेनिक्स का हेड ऑफिस ये प्रेडी थाना। अच्छा। तो वो आएगा तो आमने सामने बात होगी ना, मुझे तो नहीं पता। साहब को मैंने 1,000 रुपये दिए, 1,000 रुपये मेरे कौन देगा? वही देगा जिसने लिए हैं। वो तो थाने में दिए होंगे ना उसने। हेड मॉरल रजाक ने काफी देर तक हमसे बहस करने के बाद सब इंस्पेक्टर उर्फ लुटेरों के सरदार और इनके मांडवाली किंग को थाने बुलवाया। अब आप लोग इन वर्दी वाले बादशाहों की बात सुने और खुद ही फैसला करें
क्या वाकई बरेली पुलिस उन लुटेरों का हेड ऑफिस नहीं है? क्योंकि ये तो हर बात से इनकार कर रहे थे, जबकि हमारे पास हर चीज की फुटेज मौजूद थी। मैं आपसे बहुत रजाक भाई करके बात कर रहा हूँ सर। मैंने कोई कोई बदतमीजी भी नहीं की, मैंने कोई एक जुमला नहीं बोला। मैंने दिए प्रूफ है, फुटेज ही है मेरे पास। वो जो ड्राइवर था ना, उसने बोला कि वो दो तस्वीरें और दो शनाख्ती कार्ड की कॉपियां थाने में जमा करा दे, वरना काम नहीं करने दूंगा तुझे। जैसा 1000 रुपए दे रहे हैं। गश्त वाली मोबाइल अगर ये करेगी तो कोई भी थाने नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है जब गश्त वाली मोबाइल के अंदर बैठा हुआ सब इंस्पेक्टर ये बात कर रहा है तो अंदर बैठा हुआ SHO तो खाल खींच लेगा। नहीं भाई है, ये आम पब्लिक की बात बता रहा हूँ। मैं तो आ जाऊंगा, मैं तो आ गया अंदर। बात नहीं समझ रहे, आम पब्लिक की ये तो गलत है। ये थाने बने किस लिए? पब्लिक के लिए तो बने। कहाँ बने? किसने बोला आप? किसके लिए? सर ये आम के लिए नहीं, खवास के लिए। लोग डरते हैं आते हुए। वो पैसे आप लोगों में से किसी ने नहीं लिए? छोड़ ना इस बात को, मैं पूरी इंक्वायरी करूंगा। आप लोगों में से किसी ने नहीं लिए? ठीक है। आपने तिब्बा सेंटर और प्लाजा मार्केट की माफिया को देखा और उनके सरबराहों को भी। अब मैं सिर्फ यही बोलूंगा, मैं ऐसा चारागर हूँ अपने शहर का जो अपने मर्ज की दवा आप ढूंढने निकले। आपने आज का ये प्रोग्राम देखा, आपने देखा कि किस तरह पुलिस की सरपरस्ती में ये पूरी माफिया काम कर रही है। एक गाड़ी का बिल 15-20 हज़ार रुपये, 1.5 लाख रुपये, 1.25 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये, और इस तरह के कितने ही लोग जो हैं वो रोज़ाना बेवकूफ़ बनते हैं और पुलिस आके मांडवाली कराती है और अपना हिस्सा ले जाती है। हमसे भी 1000 रुपये लिए एक गाड़ी के। तो इस तरह आप अगर अंदाज़ा करें कि अगर 1000 गाड़ी लग रही हैं तो 1 लाख रुपये सिर्फ पुलिस वालों को मिल रहे हैं और कोई रोकने वाला भी नहीं है। और तमाम सबूतों के बावजूद पुलिस इस बात से इनकारी रही कि जी उन्होंने हमसे पैसे नहीं लिए, हालांकि हमने उनको प्रूफ भी दिखाया, आपने भी देखा। तो अगर आला हुकाम ये बात सुन रहे हैं मेरी, देख रहे हैं, तो इस पे एक्शन ज़रूर लीजिएगा और मासूम आवाम को इन माफिया से निजात ज़रूर दिलाइएगा। आज तक के लिए इतना ही। अगर आप कोई मुझे सजेशन कोई आरा से आगाह करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।